आज मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। ये देखिए, मैंने हरी मटर ले लिया, फ्रेश हरा मटर है जो छील लिया है। अब मैं ले लूँगी जार, और मिक्सी का जार लेने के बाद अब मैं मटर डाल के, ये देखिए जार में पीस ली हूँ, ये इस बाउल में मैं निकाल लूँगी इसको। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ इसको। और इसके बाद उसी में मैं मसाले भी तैयार कर लेती हूँ। प्याज काटी हूँ, लहसुन और ये मिर्चा है, और थोड़ा सा अदरक भी मैंने उसमें डाला। ये धनिया, हरी धनिया है जो इसमें काट के मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे ये अच्छे से मिक्सी अच्छे से चले। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ये बंद करके इसको भी ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए ये तैयार है मसाला हमारा। अब इसके बाद मैं पहले कढ़ाई रखूँगी गैस पे, उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल। और इसके बाद ये मैंने आलू काट के रखे हुए थे, तो ये देखिए मैंने आलू को पहले लाल करके निकाल लूँगी। देखिए दो आलू थे, 8 परिवार में 2 आलू। तो ये देखिए इसके बाद जो तेल बचा है उसमें मैं पंचफोरन डाल दी हूँ। और इसके बाद अब मैंने करी पत्ता डाल दिया है, और जब ये हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस होगा कि मटर का उसको अच्छे से भूजेंगे जो पेस्ट बनाए हुए हैं। ये देखो मैं इधर बाउल में रखी हूँ, अभी इधर हो गया है। अब मैं इस बाउल इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। ये जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक अच्छे से इसको भूनना है। ये सभी अलग अलग हो जाएंगे अच्छे से। थोड़ा ये ज़्यादा ग्राइंड हो गया है, पर आप कोशिश करिएगा कि बहुत ग्राइंड नहीं करना, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दीजिएगा। बट कोई बात नहीं, इसका भी बना के हम देखते हैं कि कैसे बनता है। ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने ले लिया एक कटोरी, और उसमें डालूंगी मैं धनिया। इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, जब तक वो होता रहेगा तब तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया है सब्जी मसाला, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। ये देखिए इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसमें टमाटर का नहीं बना रही हूँ, आज मैं बिना टमाटर का निमोना बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनता है। और मेरे पास टाइम कम था, और लंच के लिए सभी रेडी हो चुके थे, इसलिए मैंने एक काम किया कि एक साइड गरम रख करने के लिए एक बाउल रख दिया है, उसमें पानी। और इधर देखिए धीरे धीरे तेल निकलने लगा है, मतलब ये हमारा हो गया है। फिर भी थोड़ा सा और चलाते हैं इसको, और इसके बाद इसको एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए जो थोड़ा सा तेल मैंने डाला, और इसके बाद ये जो मैंने मसाला पीसा हुआ था, तो इस मसाले को इसमें अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए मैंने आलू और ये जो भुने हुए हमारे हरी मटर है वो निकाल ली हूँ निमोना। और इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, बहुत थोड़ा सा ही डाला है। और इसके बाद ये मसाले भूनूंगी, जब ये तेल हो जाए तब फिर आप जो पिसे हुए मसाले हैं उसको डाल दीजिएगा। ये देखिए, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से मिक्सी को कंगाल के फिर इसमें ऐड कर दूंगी, पर अभी नहीं करना है। जब आप बाद में पानी डालने लगेंगी तब फिर आपको डालने की ज़रूरत है उसको, अदरवाइज अभी नहीं, नहीं तो मसाला पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ध्यान दें। अब इसी में थोड़ा सा मैंने, ये देखिए मैंने डाल दिया मसाले जो मैं कटोरी में मसाले तैयार की थी, अब इसी के साथ में वो भी पक जाएंगे। इधर मैंने एक साइड गरम करने के लिए गैस पे पानी रखा है, जिससे हमारे टाइम का बचत भी हो जाए। अगर कभी आपको जल्दी है और जल्दी जल्दी बनाना है तो आप एक साइड पानी गरम करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्ज़ी में पानी डालेंगे वो उबाल आएगा तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कि एक साइड
एक कोई पतीली में अच्छे से पानी गरम कर लीजिए। ये देखिए उबल रहा है, और मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और उसको ढक के रखूंगी कि वो गरम ऐसे बना रहे पानी। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। और इधर साइड जब तक मेरा ये मसाला तैयार हुआ निमोना, तब तक वो पानी भी खूब अच्छे से गरम हो गया है। और इसके बाद ये देखिए मसाला और निमोना अच्छे से मिला लेना है, जो हमने पीसे हुए थे मटर, हरे मटर, उसको अच्छे से मिला लेना है मसाले में। ये देखिए ये अलग स्टाइल का बनाया है वैसे मैंने, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। कि बहुत से लोग प्याज नहीं डालते, आप स्किप भी कर सकते, पर एक बार प्याज वाला भी बना के देखिए कि कैसे बनता है। आपको डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इसका स्वाद। तो हम वो भी बना के आपको टमाटर वाला भी दिखाएंगे, बट अभी ये वाला देखिए कि इसको बिना टमाटर का मैं कैसे बनाई हूँ। ये मैंने नमक डाल दिया है, ये देखिए स्वादानुसार नमक डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, स्वादानुसार ही डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मेरी फैमिली लंबी है तो इस हिसाब से मैंने डाला है, 8 परिवार हैं तो उस हिसाब से वो नमक सही है। आपकी जितनी फैमिली हो आप उस हिसाब से नमक डालिएगा। और ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है, 5 मिनट के लिए ऐसे हम रख देंगे। और ये देखिए मैंने 5 मिनट बाद देखा, और वैसे भी 5 मिनट के पहले ही उबलना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि वो पानी जो मैंने डाला है वो गर्म है, तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक साइड मैंने तवा रखा है कि जब तक ये निमोना होगा तब तक हम दूसरे साइड चावल और रोटी बनके तैयार हो गए हैं मेरे। इधर ये पकता रहेगा, उधर रोटी बनती रहेगी, और गरम गरम सारे लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, अगर आपके पास टाइम कम हो तो ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड पानी रख दीजिए गरम हो जाए, फिर इसके बाद आप इसमें डालिए। अगर टाइम है तो फिर आप वैसे डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने चावल और निमोना का खाने का जो स्वाद है वो अलग ही मज़ा है। ऐसे आपको कैसे अच्छा लगता है निमोना? ये मैंने थोड़ा सा घी डाला है, मुझे तो बहुत पसंद है निमोना चावल। आपको कैसे लगता है बताइएगा। थैंक यू।